नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, जब बात करें लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस शुरू कर कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप इन या टेक्नोलॉजी बेस्ड होम मेकिंग हेल्प ग्रो जाना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस आइडिया की नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे बिजनेस प्रॉफिट कमाया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल गैजेट्स का ज़माना है और अब तो हर जगह गैजेट गैजेट हो रखे हैं और आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप तो हर जगह मौजूद होते हैं और इनके बिना काम हो ही नहीं पाता है। फिर चाहे वो बड़ी कंपनी हो या होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, शॉप्स, हर जगह लैपटॉप और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है। और अब तो हर एक स्टूडेंट के पास लैपटॉप मिल जाता है क्योंकि आजकल स्टडी भी लैपटॉप से होने लगी है। इसमें सारी डॉक्यूमेंट, नोट्स, फाइलें सब सेफ हो जाती है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी इसकी काफ़ी डिमांड है। डिमांड होने के कारण इसके कंपटीशन बहुत है क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत सी कंपनियां हैं। कंपटीशन के कारण मार्जिन भी अच्छा होता है और मार्केट में काफ़ी ऐसी शॉप्स हैं जो सिर्फ इसी का बिजनेस कर हज़ारों लाखों की कमाई कर रही हैं। आप भी इसी का बिजनेस शुरू कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कैसे होगा ये बिजनेस? इसके लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत होगी जो कि मेन मार्केट या मेन रोड पे हो, जहाँ भीड़ रहती हो, ताकि कस्टमर को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप शॉप रेंट पे भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। आप कम से कम 50,000 में यह बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इससे आप शॉप के लिए एक अच्छा सा काउंटर, चेयर्स ले सकते हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए ग्लास की रैक बनवा सकते हैं। ज़्यादा कुछ शॉप में ना रखें, एकदम सिंपल सी शॉप रखें। शॉप को साफ़ सुथरा रखें। आप एक हेल्पर भी रख सकते हैं जो कि आपको अपनी ही सिटी में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा और उनसे आप लैपटॉप कंप्यूटर बेचने के लिए ले सकते हैं कम पेमेंट कर। बाकी पेमेंट माप माल बिकने पर भी कर सकते हैं। आप हर कंपनी के एक एक या दो दो पीस ही उठाएं दोस्तों। इससे आप ज़्यादा बर्डन में नहीं आएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर भी आसानी से मान जाएंगे। आप अपनी शॉप का एक अच्छा सा नाम रखें और अपनी बिल बुक तैयार करवाएं और विजिटिंग कार्ड भी बनवा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों, होटलों, कॉलेजों से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बोल सकते हैं कि किसी प्रकार के लैपटॉप और कंप्यूटर की डिमांड होती है तो वो आपसे संपर्क करें। आप कम रेट पर प्रोवाइड करा देंगे और आप नए बन रहे होटल कंपनियों में जाकर उनके मालिक से बात कर आप कंप्यूटर लैपटॉप का ऑर्डर भी ले सकते हैं क्योंकि ऐसी जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इस तरह आपका बिजनेस चल निकलेगा। ऐसे ही अपने आप कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी आपको काम मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस तरह आप सब खर्च निकालकर हर महीने 40,000 से ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों ये बातें। कस्टमर से प्यार से बात करें, अपने हेल्पर को सैलरी टाइम पे दें, पक्का बिल जरूर बनाएं और उस पर डेट जरूर डालें और गारंटी वारंटी कार्ड जरूर भरें और उस पर कस्टमर के साइन जरूर लें। अच्छे ब्रांड के कंप्यूटर लैपटॉप रखें। आपको कंप्यूटर लैपटॉप की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर लैपटॉप स्टार्ट कर सेटअप करके कस्टमर को दें। डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्यूटर लैपटॉप बिकते ही पेमेंट जरूर करें। बाकी सब आप जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपलोड सी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।